हेलो फ्रेंड्स, एसडीआर टेक्निकल गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए दो कट का माइटर फार्मूला लाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए और हमारे नए आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग पाइप से टू कट एल्बो माइट्रा भी बनाएगा। टू कट एल्बो किसको बोलते हैं? ये जो जॉइंट है इसका वन कट, ये टू कट है और थ्री पीस है। मैं अभी पाइप कटिंग कर रखा हुआ, साइड पीस है ये, आपका मिडिल पीस है ये, आपका साइड पीस है। ये कैसे कटिंग हुआ, किस तरफ कटिंग हुआ, किस तरफ टू कट में 90 डिग्री एल्बो बनाता है, मैं आपको मार्किंग करके आपको दिखाएगा। ये अभी 3 इंच का पाइप है दोस्तों। ये सेंट्रल लाइन कैसे मार्किंग होता है पाइप रखने का, पाइप का एंड से स्पीड लोड लगाने का, स्पीड लोड लग के इधर आपको चेक करने का, आपको स्पीड लोड सही है कि नहीं। ये जब परफेक्ट आएगा या पैरेलल आपको लेवल में आ जाएगा, आपको क्या करने का, इधर आपको स्पीड लोड लग के आपको 3 इंच का हाफ बॉडी लेके मार्किंग करने का। 45 में मैं मार्किंग करने का और सेम आपको 3 इंच का हाफ बॉडी लेके ऐसे मार्किंग करने का, ऐसे आपको स्केल रख के ऐसे मार्किंग करने का, सेंटर लाइन निकल जाएगा। ओके फ्रेंड, ये आपका सेंटर लाइन निकल गया। देखिए मैं पहले से मार्किंग कर रखा हुआ, देखिए ये आपको मार्किंग कर रखा हुआ। चार सेंटर लाइन कैसे मार्किंग करना है, 3 इंच का सीएफ 282/4 इज इक्वल टू कितना, 70.5 बस 71 मार्किंग करने का आपको। इधर से 71 मार्किंग करने का, यहाँ से इधर से रखा इसे 71 मार्किंग करने का और इधर सेंटर से आपको इधर से मार्किंग करने का 71। तब क्या करने का, इसे सेंटर लाइन मारने का, ऐसे चार सेंटर लाइन में आपको मार्किंग करने का। ओके फ्रेंड, इसका मैं पहले वीडियो बने थे 8 सेंटर लाइन में माइटर कैसे बनते हैं, मेरा आई बटन में दिया हुआ जाकर वीडियो जाके देख सकते हैं। सीएफ इंटू डिग्री डिवाइड फुल डिग्री इंटू कॉट इंटू टू, ये आपका फॉर्मूला है। तो 3 इंच का सीएफ कितना, 282/90 डिग्री। तो हम लोग कितना इंच, कितना डिग्री बना रहे अभी, 90 डिग्री। आप 45 डिग्री बनाते हैं, आप 45 डिग्री डाल सकते हैं। तो क्या करने का ना, 3 इंच का सीएफ 282/90 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 25380। आपको डिवाइड 360 डिग्री इंटू टू इंटू टू, 360 डिग्री इंटू कॉट, ना कॉट में बना रहे अभी, टू कॉट में बना रहे इंटू टू, टू क्या है ना, ये आपको कंपल्सरी फॉर्मूला है। ओके फ्रेंड, तो 360 डिग्री इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू कितना, 1440। अभी क्या करने का, ये हम लोग कितना निकला है, 25380 डिवाइड 1440 इज इक्वल टू आंसर कितना, 17.6। अब 18 भी पकड़ सकते हैं, कैसे मार्किंग होता है आपको दिखाएगा। साइड पीस कितना, 18×3 इज इक्वल टू 54। तले मिडिल पीस, हम लोग अभी पहले साइड पीस चाहिए, बाद में मिडिल पीस चाहिए, बाद में फिर साइड पीस चाहिए। क्यों, टू कॉट में 3 पीस होता है और 2 जॉइंट होता है। मिडिल पीस 18×6 इज इक्वल टू 108। आपका साइड पीस हो गया, मिडिल पीस हो गया, फिर आपका साइड पीस हो गया, तो 18×3 इज इक्वल टू 54। पहले साइड पीस को मार्किंग करने का, पाइप का एंड से ऐसे मेजरमेंट टेप लेने का, साइड पीस 54, तले आपका इधर से 54 मार्किंग करने का, ये आपका 54, इस तरह आपको ऐसे मार्किंग करने का, इस तरह राउंड मार्किंग करने का। ओके फ्रेंड, इस तरह आपको राउंड मार्किंग करने का, ऐसे ये आपका साइड पीस मार्किंग हो गया। तब आपको मिडिल पीस मार्किंग करने का, मिडिल पीस कितना ना, 108। तब आपको इधर से 108 मार्किंग करने का, इधर से मार्किंग नहीं करने का, अब इधर से 108 मार्किंग करने का। तले ये आपका 0 से ऐसे 0, मैं 100 से पकड़ रहा हूँ, ये आपका 108 ये मार्किंग करने का। इस तरफ आप इधर से भी ऐसे सेम पाइप को घुमाने का, ये आपको 108 मार्किंग करने का। इस तरह आपको देखिए, ये आपको ये पॉइंट को और ये ऐसे मिलाने का, इस तरह मिलाने का, ऐसे मार्किंग करने का। ओके फ्रेंड, आपका साइड पीस हो गया और मिडिल पीस हो गया, फिर आपको साइड पीस करने का। ओके फ्रेंड, तो साइड पीस कितना ना, 54 mm, इधर से आपको 54 मार्किंग करने का, ये आपको 100 से पकड़ाओ, कितना 54 mm। ओके फ्रेंड, इस तरफ फिर आपको पाइप को ऐसे घुमाने का, इस तरफ कि आसान रहेगा आपको मार्किंग करने के लिए। पहले ये आपको मार्किंग करने का, ये मेन चीज़ है, वीडियो स्किप नहीं करने का, पूरा मार्किंग देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड, फिर आपको 54 mm मार्किंग करने का।
तो आपका ये पट्टी नहीं तो क्या करना, ये सेंट्रल एंड मार्क, ये आपको ऐसे मार्किंग करने की आपका पट्टी नहीं है, क्या करना आप टेप कैसे ऐसे इस तरह आप मार्किंग कर सकते हैं, इस तरह भी देखिए टेप में भी दिखा रहा हूँ, देखिए आप इस तरह आपको टेप में भी मार्किंग कर, आपका पास वो नहीं रहेगा तो भी ये आपको मार्किंग करने के लिए आपको नहीं रहता, टेप में भी मार्किंग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, फ्रेंड्स थोड़ा डबल मार्किंग हो गया, ये आपका साइड पीस और ये आपका मिडिल पीस, ये आपका साइड पीस, ये आपका स्क्रैप है, क्यों आपका पाइप तो बड़ा रहेगा, थोड़ा ये आपका स्क्रैप है, ये आपका हमको पाइप इधर से कटिंग कर देने का। ओके फ्रेंड, ये आपका साइड पीस, मिडिल पीस, साइड पीस, तीन पीस आएगा, टू जॉइंट होगा। ओके फ्रेंड, मैं आपको इधर से आपको मालूम पड़ेगा, मैं आपको इधर से टॉप लिखा हुआ पाइप का, इसका नीचे का देखिए, इसका इसका अपोजिट, इसका अपोजिट ये आपको, ये आपका बॉटम है, क्यों मैं इसे लिखा हुआ था आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। वन पीस, टू पीस, थ्री पीस, क्यों जब कटिंग होगा आपको मिलाने के लिए आपको आसान रहेगा, नहीं तो आपको इधर इधर हो जाएगा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और आपको कटिंग करने से पहले मैं फिटर और फैब्रिकेटर को मैं वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आपको सेंट्रल लाइन जरूर मारने मार्किंग करने का, ये आपको इधर एक पंच मारने का और इधर भी आपको पंच मारने का, इस तरह आपको पंच मारने का, इधर आपको पंच मारने का, आपको सेंट्रल लाइन में पंच मारने का और बॉटम साइड में सेम आपको इधर आपका पंच मारने का, क्यों जब भी कटिंग हो जाएगा आपको पंच को मिलाने के लिए आसान रहेगा, ये ध्यान दीजिए। और सीरियल नंबर 1, 2, 3 ये नहीं भूलने का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग का कटबैक आंसर कितना ना 17.625 18 mm पकड़ सकते हैं। तो पहले क्या करने का, ये आपको जो साइड पीस है पहले आपको ये मार्किंग सब इधर मार्किंग करने का, कितना 18 mm। इसका पहले मैं 8 सेंट्रल एंड वीडियो बनाया था, मेरा आई बटन में दिया जाके वीडियो देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ जाके वीडियो देख सकते हैं। अभी कितना 18 mm, मैं आपको जीरो से पकड़ेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कभी जीरो जीरो नहीं आएगा, थोड़ा 100 से इसे पकड़ने का, इस तरफ 100, हम लोग का कितना, हम लोग का आंसर कितना 18 mm, ये आपका 10 mm, ये आपका 18 mm। ओके फ्रेंड, आपको इधर से लेने का, ये टॉप का मैं इधर से मार्किंग किया, तल इसका बॉटम का साइड, बॉटम साइड ये आपका बॉटम है, तल बॉटम साइड इधर आपको लेफ्ट साइड मार्किंग करने का कितना 18 mm, कटबैक का आपका 18 mm, तल ये आपका आपका 100 है, ये आपका 100 है, ओके 18 mm लेफ्ट साइड मार्किंग करने का। ओके फ्रेंड, फिर आपको टॉप ऐसे घुमा लीजिए, ये आपको हो गया, तल ये टॉप का आपको मैं इधर अंदर में मार्किंग किया, तल आपको आप इधर से मार्किंग करने का, देखिए पहले फॉलो कीजिए मैं कैसे मार्किंग कर रहा, आप सेम ऐसे मार्किंग करने का, इस तरह मार्किंग करने का, लेफ्ट साइड कटबैक सेफ रहेगा आपको 18 mm आपका। ओके फ्रेंड, ये आपका टॉप का इधर से मैं मार्किंग के अंदर साइड, बॉटम का लेफ्ट साइड मार्किंग करने का, ये टॉप का मिडिल पीस में आपको इधर मार्किंग करने का और आपका बॉटम साइड में राइट साइड मार्किंग करने का। देखिए मैं पाइप घुमा रहा हूँ, टॉप है ये आपका, देखिए बॉटम है, तल हम लोग का टॉप का अंदर साइड मार्किंग किया था, तल बॉटम का राइट साइड में मार्किंग करने का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मार्किंग बहुत ही आदमी गलती कर देता है, थोड़ा इधर ही हो जाता है, मेन चीज़ ये आपका याद रखना पड़ेगा आपको, ये आपका 18 mm, ये मार्किंग हो गया। अभी मैं पाइप को इस तरफ अभी घुमा रहा हूँ। ओके फ्रेंड, अभी मैं और एक बार दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये आपका साइड पीस है, साइड पीस का जो मार्किंग हुआ ये आपको अंदर लेने का टॉप का साइड। ओके फ्रेंड, और बॉटम का साइड मैं आपको दिखा रहा हूँ, जी देखिए ये आपका बॉटम हो गया, बॉटम साइड आपको लेफ्ट साइड मार्किंग करने का। ओके फ्रेंड, फिर आपको ऐसे पाइप है, ये टॉप का साइड में अंदर मार्किंग करने का लेफ्ट साइड, फिर आपको सेम मिडिल पीस को फिर अंदर बॉटम साइड का आपको राइट साइड मार्किंग करने का। ओके फ्रेंड, ये आपको ज़रूरत नहीं। ओके फ्रेंड, आपको क्या करने का, ये मार्किंग किया जो 18 mm ऐसे मिलने का, ऐसे इस तरह आपको ये जीरो है, ये आपका 0 degree ऐसे मार्किंग करेगा, देखो इस तरह आपको मार्किंग है 0, फिर आपको 0 से ये आपका ये बॉटम में, ये बॉटम ऐसे मिलना चाहिए, फिर बॉटम से आपको इधर आके ये 0 में मिलना चाहिए। ओके फ्रेंड, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं है? ओके फ्रेंड, मैं आपको मार्किंग करके दिखाएगा कि इस तरह मार्किंग होते हैं।
ये सेंटर जो मार्किंग किया हुआ और ये जो जीरो है, ये जीरो को और ये आपको इस तरह मिलाने का है। ओके भैया, मैं थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं एक आदमी है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है इस तरह आपको मार्किंग करने का। ओके फ्रेंड, फिर आपको ऐसे घुमाने का, ऐसे मार्किंग करने का, ये मेन चीज़ दो आदमी से मार्किंग करने का। कभी भी मैं ऐसे मिला देता, अंदाज में थोड़ा मिला देते हैं। देखिए ये आपका ऐसे मार्किंग हो गया, फिर आपका बॉटम साइड ले जाने का। ठीक है, ये आपका बॉटम साइड, बॉटम साइड को ये जो मार्किंग किया था ये जीरो में मिलाने का, और ये बॉटम से ये जीरो में मिलाने का। ओके फ्रेंड, सेम ऐसे ऐसे मार्किंग करने का इस तरफ। ओके फ्रेंड, फिर आपको इस तरह मार्किंग करने का। ओके फ्रेंड, ये आपका साइड पीस का मार्किंग हो गया टॉप का। मैं आपको इधर से भी मार्किंग कर सकता हूँ, समझाने के लिए मैं आपको फिर पाइप को घुमा देता है, तो आपको आसान रहेगा समझाने के लिए। ये आपका टॉप का मार्किंग हो गया। ओके फ्रेंड, थोड़ा इधर ज़्यादा हो गया, क्यों मेरा थोड़ा दिक्कत हुआ थोड़ा, लेकिन थोड़ा ये ऐसे मार्किंग होना चाहिए। सेम आपको ऐसे मार्किंग करने का इस तरफ, तो थोड़ा मैं मिला था हैंड से, थोड़ा हाथ से मिला था आप लोग को, मेरा थोड़ा दिक्कत हो रहा है। फिर आपको इधर से ऐसे मार्किंग करने का, ऐसे राउंड रहना चाहिए। थोड़ा मैं एक आदमी हो रहा है इसलिए मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ओके फ्रेंड, अभी पाइप को ऐसे घुमाइए, ये आपका बॉटम हो गया, बॉटम को सेम ऐसे मार्किंग करने का। इधर ऐसे ऐसे इस तरफ रख के ऐसे, देखिए मैं आपको ये मार्किंग हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका फाइनल मार्किंग हो गया। मैं आपको और एक बार दिखा रहा हूँ, ये आपका साइड पीस, ये आपका मिडिल पीस, ये आपका साइड पीस। टॉप का साइड अंदर मार्किंग किया था, बॉटम साइड का मैं लेफ्ट साइड मार्किंग करने का। फिर आपका टॉप साइड अंदर मार्किंग किया था लेफ्ट साइड, आपको बॉटम साइड में राइट साइड मार्किंग करने का। मार्किंग करने तो आपको ये ऐसे मार्किंग करने का। ओके फ्रेंड, ये आपको कटिंग नहीं करने का, ये जो मार्किंग हो ये कटिंग होगा, ये वाला ये कटिंग होगा। ओके फ्रेंड, ये आपको ये कटिंग करने का। देखिए ये जो मैं क्रॉस मार रहा है रेड कलर से, मैं आपको समझाने के लिए ये मैं क्रॉस किया, ये आपको कटिंग करने का। ओके फ्रेंड, ये कटिंग करने का। ओके फ्रेंड, ये आपको ये कटिंग करने का। ये आपका लास्ट पीस है, ये आपका स्क्रैप है, मतलब ये भी कटिंग करने का। ओके फ्रेंड, ये आपका ये मार्किंग को ऐसे ऐसे कटिंग करने का। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका पाइप कटिंग हो गया। देखिए ये आपको मैं लिखा था वन पीस और टू पीस, थ्री पीस, ये आपका स्क्रैप है। देखिए मैं स्क्रैप को ऐसे निकाल दिया है, ये आपका स्क्रैप भी था, ये निकाल दिया। वन टू थ्री लिखने के लिए इसीलिए आसान रहेगा आपको क्या करने का, ये आपको जो टॉप लिखा है ये क्या करने का, ये ऐसा रहेगा आपको। देखिए मैं ऐसे थ्री को रखा हुआ, ये आपको इस तरफ घुमाने का। देखिए ये ऐसा था वन एंड टू, ये आपको क्या करने का, इस तरफ को ऐसे घुमाने का। देखिए ये बॉटम साइड मतलब टॉप का साइड, ये आपको इस तरह मिलाने का। देखिए ऐसे मिलाने का, देखिए ऐसे मिलेगा। ये मार्किंग, ये टॉप का मार्किंग और ये बॉटम का मार्किंग, ये मिलना चाहिए। ओके फ्रेंड, ऐसे मिलना चाहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये पूरा सबको, देखिए ये मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए साइड का, और ये आपका ये टॉप का मिलना चाहिए, और ये भी मिलना चाहिए। ओके फ्रेंड, जॉइंट करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये आपका वन और टू, ये आपका ये साइड पीस और ये आपका मिडिल पीस में अपोजिट आपका ऐसे फिटअप करने का। ओके फ्रेंड, फिटअप करने के बाद क्या करने का, पहले देखिए, पहले हम लोग का ये इस तरफ था आपको। देखिए पहले ये आपका टू लिखा था, देखिए पहले ये आपका टू, ये आपका थ्री,
ओके फ्रेंड, क्या करने का, ये जो पाइप पीस है इसको ऐसे घुमाने का, ऐसे घुमाने का, ये तीन पीस में इसीलिए मार्किंग किया था, इसे जॉइंट करने का। देखिए ये आपको ऐसे जॉइंट करने का, मैं आपको जॉइंट करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये आपका साइड पीस, ये आपका मिडिल पीस, ये आपका साइड पीस, मतलब 1 2 3 मतलब तीन पीस हो गया। मतलब टू कट क्या, मतलब 1 कट 2 कट, ये आपका 2 जॉइंट होगा। फ्रेंड्स देखिए थोड़ा मेरे इधर गैप हो गया, थोड़ा मेरा तो कटिंग में थोड़ा दिक्कत हुआ, इस तरह आपका जॉइंट आना चाहिए। देखिए ये आपको ऐसे जॉइंट होना चाहिए, देखिए ये थोड़ा मेरा गैप हो गया, ये आपका साइड पीस, ये आपका मिडिल पीस, ये आपका साइड पीस, मतलब तीन पीस आ गया। ये आपका 1 पीस 2 पीस 3 पीस, मतलब 2 कट क्या, मतलब ये आपका 1 कट 2 कट, मतलब 2 आपका वेल्डिंग होगा, 2 कट बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा, कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट में कमेंट कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।